आज के दौर में दुनिया भर में पिज्जा के चाहने वालों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पिज्जा की भी नीलामी हो सकती है? अगर आपने ये ऐसा सोचा हो तो आप सही हैं, क्योंकि अमेरिका में एक ऐसा ही किस्सा सामने आया है जिसमें पिज्जा के एक टुकड़े की नीलामी हुई है और इस नीलामी में 4 करोड़ रुपए मिले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पिज्जा के टुकड़े को किसने खाया होगा, तो आइए बताते हैं हम आपको इस वीडियो में। दरअसल हाल ही में अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर अमेरिका की रैपर लिल याची ने एक खाए हुए पिज्जा के स्लाइस की तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की। इस पिज्जा के टुकड़े की नीलामी $5,00,000 यानी करीब 4 करोड़ रुपए में हुई है। रैपर याची ने ही इस बात का दावा किया कि इसे हिप हॉप आइकन रैपर ड्रेक्स ने खाया है। याची ने इस पिज्जा के टुकड़े को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में भी शेयर किया। वहां उन्होंने कैप्शन में लिखा कि ड्रेक के खाए हुए स्लाइस को $5,00,000 में बेचना है। हालांकि एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रैपर ने ना सिर्फ यह ऐलान किया था कि इसे 4 करोड़ रुपए में बेचना है और अभी तक उसको खरीदार नहीं मिला है, लेकिन वहीं एक अन्य मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि इसे खरीदार मिल गया है और इस पिज्जा की नीलामी हो चुकी है। हालांकि अभी तक पिज्जा के स्लाइस को खरीदने वाले का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन रैपर के पोस्ट किए हुए इस पिज्जा की तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है और फैंस भी जमकर रिएक्ट कर रहे हैं।